चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। सुनो, मुझे पैसे दे दो, इंटरव्यू पे जाना है। पैसे चाहिए? पर क्यों? बताया तो, इंटरव्यू पे जाना है मुझे। यार तुम्हें जरा सी भी शर्म आती है? पिछले 4 महीने से घर में बैठे हो और तुम्हारे खर्चे के लिए भी मेरे से पैसे मांग रहे हो। मैं कौन सा घूमने फिरने के लिए मांग रहा हूँ, इंटरव्यू पे जाना है इसीलिए पैसे मांग रहा हूँ। और जब मेरी जॉब लग जाएगी तो तुम्हारे सारे पैसे मैं लौटा दूंगा। पिछले 3 महीने से तुम उससे यही तो बोल रहे हो कि इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, जॉब लग जाएगी तो पैसे वापस कर दूंगा। कितने रुपए वापस किए आज तक तुमने मुझे? मेरे पास ना तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। जाओ जैसे जाना है, पैदल जाओ, बस से जाओ। कितना कैसी बातें कर रही हो तुम? जब मैं कमाता था मैं तो तुमसे कोई हिसाब नहीं लेता था किसी भी पैसे का। अभी कुछ टाइम से तुम कमा रही हो तो तुम मुझे ऐसे ताने दे रही हो ना जाने तुम मुझे जन्मों से पाल रही हो। अच्छा, बीवी हूँ मैं तुम्हारी, बल्कि मुझे तुम्हारे आगे अपने फरमाइश करनी चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तुम मुझसे फरमाइश कर रहे हो कि अंकिता घर में ये ला दो, अंकिता घर में वो ला दो, पैसे दे दो। अरे जरा सा भी आत्मसम्मान बचा है तुम्हारे अंदर? मूवी देखने नहीं जा रहा हूँ मैं, ना ही वाटर पार्क जा रहा हूँ, और ना ही इधर उधर फालतू खर्चे के लिए पैसे मांग रहा हूँ। मेरे को इंटरव्यू पे जाना है, वहाँ के लिए पैसे की नीड है, सिंपल सी बात है, इसीलिए तुमसे पैसे मांग रहा हूँ। देखो पहले तो तुम मुझसे तमीज से बात करो, घर में रहते हो, घर का पूरा खर्चा मैं चलाती हूँ और तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगे? अच्छा, पिछले 4 साल से मैं घर चला रहा हूँ, मैंने तो तुम्हें एक भी बार नहीं बोला कि मैं घर चलाते चलाते थक गया हूँ। अभी तुम 3 महीने से मेरा खर्चा उठा रही हो तो तुम मुझे ऐसे सुना रही हो ना जाने मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया हो नौकरी छोड़ के। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, अभी मेरा बुरा वक्त है, तो तुम ऐसे ट्रीट कर रही हो मुझे जैसे मैं कोई। छोड़ो, तुमसे कहना ही बेकार है। पकड़ो पैसे, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए। 100 रुपए, इसमें भला मेरा क्या होगा? DTC बस से जाना है तुम्हें, 15-20 रुपए किराया लगेगा, और जो पैसे बचेंगे ना मुझे वापस चाहिए, समझ में आई तुम्हारे? एक फूटी कौड़ी और ज्यादा नहीं देने वाली तुम्हें। कमाल है। कंपनी में लगवा देती हूँ, इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। 3 महीने से धक्के खा रहा है, बार बार पूछती हूँ जॉब लगी? हाँ लगने वाली है, इंटरव्यू देकर आया हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अरे एक बार भी अपनी बहन से मदद मांग सकता है ना?
का कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए ही नहीं है। भैया की जॉब लग गई है और ये पहली सैलरी के एडवांस से लेकर आए हैं। एक सेकंड, ऐसी कौन सी कंपनी है जो जॉब लगते ही एडवांस दे दे? वो तो भैया को ही पता होगा। खैर मुझे क्या, कम से कम अच्छा है जॉब तो लगी, जाके चार पैसे कमाएंगे। तो थक चुकी थी 3 महीने से घर में बैठे बैठे इनका खर्चा उठाते उठाते। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन मैंने भी एक फैसला किया है, अब हम दोनों मिलके घर का खर्चा डिवाइड करेंगे ताकि मेरी सैलरी भी आधी यूज हो और तुम्हारी भी। पहले क्या होता था, मेरी सैलरी घर के खर्चों में यूज होती थी तो तुम्हारी सैलरी सेव होती थी ताकि बुरे वक्त में हमारे काम आ सके, लेकिन जब बुरे वक्त में मेरे काम ही नहीं आए तो क्या फायदा तुम्हारी सैलरी सेव करने का। बट ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अब तुम मेरे से ये करोगे कि आधा खर्चा मैं दूं घर का? ऑब्वियसली जब तुम्हारे पैसे मेरे किसी काम ही नहीं आते तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा ना। और भाभी इतना हैरान क्यों हो रही हो? सुबह जो मैंने देखा। अच्छा बीवी हूँ मैं तुम्हारी, बल्कि मुझे तुम्हारे आगे अपनी फरमाइश करनी चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तुम मुझसे फरमाइश कर रहे हो कि अंकिता घर में ये ला दो, अंकिता घर में वो ला दो, पैसे दे दो। अरे जरा सा भी आत्मसम्मान बचा है तुम्हारे अंदर? एक औरत होके आप मेरे भाई को इस तरीके से जलील कर रही हैं? अगर ये सारी चीजें आपकी भाभी आपके भाई के साथ करे तब आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे भाई के साथ मेरी भाभी गलत कर रही है। और यहाँ मेरे भाई के साथ जो आप कर रही है, ये भी तो किसी का भाई है, ये भी तो किसी का बेटा है। तब आपको नहीं दिखा, तब आपको अपने पैसे दिखे, आपको अपना अहंकार दिखा। एक औरत होके आपने अपने पति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। और आपको पता है ना कि उन्होंने पूरी जिंदगी मेरा और माँ का ख्याल रखा, और आपके आ जाने के बाद आपका भी ख्याल रखा। आप आए और आपको जॉब करने की परमिशन भी दी, और आपके पैसों का कभी कोई हिसाब नहीं मांगा। आप उसे खर्च करो, मायके में दो, उड़ाओ, कुछ भी करो। और आज जब मेरे भाई को जरूरत पड़ी पैसों की तो आपने एक एक रुपए के लिए ऐसे तड़पा दी जैसे वो रोड के भिखारी है। I'm so sorry दी। और एक औरत का यही फर्ज होता है कि वो अपने मायके में